हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बड़ी और बैंगन की सब्जी। ये खाने में बहुत टेस्टी होती है। आप चावल और रोटी के साथ खा सकते हो। और वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा। और अब आप हमसे जुड़ सकते हो व्हाट्सएप की सहायता से। मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर अबाउट में दिया है, तो आप चेक कर लें। तो चलिए वीडियो देखते हैं। तो चलिए बना लेते हैं। ये देखिए, बैंगन को हमने छोटे छोटे टुकड़े में काट लिया है। आप जिस तरह इच्छा उस तरह कट करें, क्योंकि ये तो गल जाती है जब भी सब्जी बनाओ आप। और ये आलू को भी मैंने छोटा छोटा टुकड़ा कर लिया है। और मैं बड़ी डालूंगी। ये देखिए, इस तरीके का बड़ी होता है। ये एक कटोरी मैंने लिया है बड़ी। बहुत टेस्टी हो जाती है इसे सब्जी में डालने से। ये देखिए, इस तरह से होता है देखने में। और मैंने इसमें चने भी डालूंगी। ये मैंने रात भर पानी में भिगो कर रखा था। ये चना ऑप्शनल है, आप डालो या ना डालो, लेकिन मैंने डाला है क्योंकि और टेस्ट हो जाती है सब्जी में। और मैंने मसाले में लिया अदरक लहसुन का पेस्ट, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर और ये 5 फोड़न है। और नमक आप स्वाद अनुसार रखें। और मेरे मसाले में लिया है टमाटर, प्याज, हरी मिर्च। ये हरी मिर्च भी ऑप्शनल है। तो चलिए बनाते हैं। कि देखिए, मैंने कढ़ाई में सरसों का तेल डाला है। मैं हमेशा सरसों तेल से ही बनाती हूँ। और मैं इसमें बड़ी डाल दूँगी और इस बड़ी को हल्का ब्राउन करके निकाल लेंगे। ये आप जब भी तेल में डालोगे ना, तो तेल पूरा ख़त्म हो जाएगी। ये बड़ी डालते ही पूरा सोख लेती है बड़ी हमारी तेल, तो इसीलिए मैं तेल थोड़ा कम डालती हूँ। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है। इस तुरंत देखिए, इसमें कलर तुरंत आ जाता है। आप फर्स्ट से इसे डालें और झट से निकाल लें। देखिए, 1 मिनट में ही हो जाता है ये। इसी कढ़ाई में मैं अब तेल डालूँगी और इस तेल में मैं 5 फोड़न का फोड़न लगाऊंगी। 5 फोड़न डालने से कितनी अच्छी खुशबू हो जाती है फ्रेंड। और मैं ये 5 फोड़न जब हल्के चटकने लगे, तो मैं इसमें हरी मिर्च डाल दूंगी। ये हो हल्के चटक गए, देखिए। हरी मिर्च मैंने डाल दिया है। अब प्याज डाल दूंगी। प्याज को हल्का ब्राउन करके, जब तक ब्राउन होती है तब तक हम लोग वेट कर लेते हैं। एक बार ट्राई जरूर करें फ्रेंड, ये बहुत टेस्टी बनती है। अब मैं इसमें आलू डाल दूंगी। देखिए, अब हल्का सा कलर चेंज हो गया है प्याज का, तो मैं इसमें आलू डाल दूंगी। तो आलू का भी हल्का सा फ्राई भी हो जाएंगे हमारे, पक भी जाएंगे। तो आप इसे प्लीज़ ट्राई एक बार ज़रूर करें। ये रोटी और चावल दोनों के साथ बहुत बहुत ही मस्त लगता है खाने में। आलू हल्के से कलर जब हमारे आ जाएंगे, तब मैं इनमें मसाले डालूंगी। आलू को हल्के कलर आने तक का वेट कर लेते हैं। हमारे आलू हल्के हल्के, देखिए रंग चेंज हो रहे हैं हमारे आलू के। अब ये जितने मसाले हैं, ये सब मैं उस आलू में ऐड कर दूंगी सारे। ये देखिए, मैंने डाल दिया है। अब इसमें हल्का सा पानी डाल के इसे अच्छी तरह से मसालों को भून लूंगी।
हमारे मसाले काफ़ी पक चुके हैं, अब हम इसमें बैंगन डाल देंगे और बैंगन के साथ में ही भूनेंगे। तब तक बैंगन भी हमारी हल्की पक जाएगी। इसे तब तक भूनना है फ्रेंड जब तक बैंगन का सारा पानी सोख ना ले, क्योंकि बैंगन जब भी हम लोग सब्जी के लिए डालते हैं तो पानी निकलती है। इसे मैं ढक दी हूँ, इससे क्या होगा हमारे सब्जी जल्दी जल्दी पक जाएंगे और बनेंगे। ये देखिए इसी तरह ढक ढक कर हम मैं मसाले भूनती हूँ। अधिकांश तेल एकदम छोड़ने लग जाए तब हमारा मसाला पूरा पक कर रेडी हो जाएगा। हमेशा जब भी सब्जी आप बनाओ ढक ढक कर ही बनाओ तो ये ज़्यादा जल्दी हो जाते हैं। मैंने इसमें टमाटर डाल दिया है फ्रेंड। मैं इसमें चने ऐड कर दूंगी। सारे चीज़ को डालकर अब आस्ते आस्ते इसे भूनना है बढ़िया से, जब तक मसाले का पूरा तेल ना निकल जाए फ्रेंड। इसमें अभी पानी ऐड नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि अब अभी तक हम लोग मसाले ही को भून रहे हैं। सब कुछ धीरे धीरे ऐड कर कर एक एक मिनट बाद बाद। हमारे देखिए तेल छोड़ चुके हैं पूरे मसाले ने, इसका मतलब हमारा मसाला बिल्कुल पक कर रेडी हो गया है और सारी सब्जी भी हाफ से ऊपर ही बॉयल हो चुके हैं। इसीलिए जब मैं पानी इसमें ऐड करूँगी तो काफ़ी समय नहीं लगेगा सब्जी पकने में। ये तेल कितना सुंदर से छोड़ दिया हमारे मसाले ने, इसका मतलब हमारा मसाला पक कर बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। पानी ऐड करके बस इसे 15 मिनट के लिए मीडियम आंच पर रख देना है ढककर। बस हमारी सब्जी बन जाएंगे। जब पूरा तेल छोड़ दे तभी आप पानी ऐड करें सब्जी में। ये बड़ी मैंने डाल दी है क्योंकि बड़ी को भी पकना होता है। बस इसे थोड़ा चला लेंगे 10 सेकंड। चलाने के बाद मैं इसमें पानी ऐड कर दूंगी। इसमें पानी मैंने ऐड कर दिया है, ये देखिए। अब इसे मीडियम आंच पर हम लोग 15 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। अब 15 मिनट बाद फिर देख, पंद्रह मिनट हो चुके हैं फ्रेंड। अब मैं देख लेती हूँ इसका क्या रिजल्ट है सब्जी का। हाँ, हमारी सब्जी काफ़ी अच्छी तरह से बॉयल हो चुके हैं, सब पक भी गया हमारा सब्जी, क्योंकि हम लोगों ने मसाला हमेशा ढक ढक कर भूंजा था, इसीलिए उस टाइम में आधा पक गया था और 15 मिनट मैंने और ढक कर पका लिया है, तो ये काफ़ी जल्दी हो गए हमारी सब्जी रेडी। अब मैं इसे सर्व कर लूँगी। ये देखिए मैंने निकाल लिया है एक टिफ़िन में। एक बार ट्राई जरूर करें फ्रेंड, ये खाने में बहुत टेस्टी होती है। काफ़ी कम समय लगता है, आप ढक ढक कर मसाले को भूनोगे तो काफ़ी समय नहीं लगेगा। और ये देखिए मैंने इसे रोटी के साथ सर्व किया है, पराठे के साथ। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें एक बार और प्यारा से कॉमेंट दे दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह के फिर मैं वीडियो लाऊँगी फ्रेंड, तब तक के लिए बाय बाय।